वेलकम टू सद्भावना न्यूज, एंड आई एम पूनम शर्मा। सलमान खान सहित सात के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत, चंडीगढ़ पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। बॉलीवुड न्यूज इंदौर। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान सहित सात लोगों को चंडीगढ़ पुलिस ने तलब किया है। सलमान खान सहित इन लोगों के खिलाफ चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि एक्टर और उनकी बहन के अलावा जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है उनमें बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के सीईओ और अधिकारी भी शामिल हैं। कारोबारी अरुण गुप्ता ने शिकायत में कहा है कि उन्होंने 2018 में 2-3 करोड़ रुपए खर्च करके बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी स्टोर की शुरुआत की थी। गुप्ता ने कहा कि उन्हें भरोसा दिया गया था कि उन्हें हर तरीके का समर्थन के साथ ब्रांड को प्रमोट किया जाएगा। गुप्ता ने कहा है कि ना तो प्रमोशन को लेकर किए गए वादों को पूरा किया गया और न ही स्टोर के लिए सामानों की आपूर्ति की गई। गुप्ता का दावा है कि उन्हें भरोसा दिया गया था कि सलमान खान ब्रांड को प्रमोट करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कंपनी के अधिकारियों से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जिस दफ्तर से वह स्टॉक लेते थे वह भी फरवरी 2020 से बंद है। कारोबारी ने शिकायत में कहा है कि उन्हें भरोसा दिया गया था कि शोरूम के उद्घाटन के लिए खुद सलमान खान आएंगे, लेकिन उनके जीजा आयुष शर्मा आए थे। गुप्ता ने इस केस में FIR दर्ज करने की मांग की है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.